नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा, और ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए है, गार्जियन के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो भी बच्चे के साथ या बच्चे के हमदर्द हैं। क्योंकि जो स्पॉट राउंड है जनरल कैटेगरी का, वो 2 दिन में डिवाइड हो गया है। तो ये बच्चों एक बहुत अच्छा संकेत है कि इसका मतलब है कि JAC के पास में नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट ज्यादा हैं और नंबर ऑफ जनरल वैकेंट सीट भी ज्यादा हैं, ऐसा निश्चित है। फिर क्योंकि बाकी बाकी पीछे के दिनों में अगर हम देखें तो 2 तारीख को तो सिंगल SC ST और सिंगल गर्ल चाइल्ड का था, यानी कि 3 एक तरीके से कैटेगरी का एक साथ काउंसलिंग करा दिया था, हालांकि लेट नाइट तक हुआ था। और 3 तारीख को OBC भी और जनरल भी, आउटसाइड भी और दिल्ली के भी, सबका काउंसलिंग हो गया था, ठीक है ना? हाँ सॉरी, OBC और EWS का, आउटसाइड दिल्ली भी और दिल्ली के भी, यानी कि बड़ी बड़ी जो कैटेगरी है वो हो गया था। OBC सोचो, OBC तो आपकी बारी, अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सभी OBC बन गए। उससे OBC कैंडिडेट को सीट भी काफी नीचे की मिली, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल गया। अब जनरल कैटेगरी का है 4 तारीख को और 5 तारीख को, तो 4 तारीख को आउटसाइड दिल्ली का हो चुका है। अब बात आती है दिल्ली का, तो अब आप सोचिए कि दिल्ली के कैंडिडेट इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने स्प्लिट करना पड़ा है 4 तारीख में, और यानी कि 2 दिन स्प्लिट करना पड़ा है। तो 2 दिन स्प्लिट करने का मतलब है 5 और 6 में करना पड़ा है, और इस तरीके से डिवाइड किया है कि 3 लाख तक जिनकी CRL है वो जाएंगे 5 तारीख को, यानी कि आज, और इसके बाद में जाएंगे 6 तारीख को। यानी कि ये बिल्कुल साफ साफ है कि अगर आपकी CRL 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 6 लाख भी अगर आपकी CRL है, तो आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस जरूरी हैं। चलिए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात आई, अब मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पर हमारी टीम हेल्प करती है बच्चों के लिए काउंसलिंग में, यानी कि हेल्प का मतलब है डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकली कुछ बात पूछनी है या ये देखनी है कि 2 सीट में कंपेरिजन है तो क्या मैं कौन सी सीट लूँ, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास टोटल डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, और हमारी टीम लगातार काम कर रही है और बहुत सारी हेल्प दूसरे बच्चों की भी की है। तो अगर आप भी किसी टाइम पर भी हेल्प करना चाहते हैं तो 100 रुपीज का एक छोटा सा पेटीएम करके, मेरा पेटीएम नंबर यहां पर दिया हुआ है 7982985588, और उसका फिर आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, उसके बाद में आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, हम आपकी कॉल को तुरंत उठाएंगे और हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प का जहां तक संभव होगा होगी, मींस पेड काउंसलिंग कहिए, या आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 100 रुपीज केवल एक इंडिकेशन है, ताकि कोई हम जरूरतमंद ही फोन को पिक करें, ताकि वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक छोटा सा गलत डिसीजन बच्चे के लिए परेशानी बन सकती है, और छोटा सा सही डिसीजन बच्चे की लाइफ में खुशियां ला सकता है, हालांकि आगे भी मेहनत करनी है, ठीक है? तो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि 7982985588 ये मेरा पेटीएम नंबर है, इस पर 100 रुपीज का पेटीएम करके आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको कॉल कर लेंगे, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिसीजन आपको लेना हो, हमारी हेल्प की जरूरत हो, तो हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।